नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कॉन हॉर्स लवर्स। दोस्तों आज आया हूँ मैं येवला मंडी और तारीख है 24। और जैसे कि बहुत दिनों के बाद में मंडी में आने का मौका मिला, क्योंकि बीच में थोड़ा समय शॉप में सीजन का था, तो अभी आया हूँ। और आते ही इस बार आज के मंडी में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी आए हैं, बहुत सारे सेल भी हो चुके हैं। और इस मंडी में अभी ये सबसे अच्छे क्वालिटी में, यानी आज के मंडी में सबसे अच्छे क्वालिटी का जो काला कलर का बच्चा है, बहुत शानदार बच्चा है। इसकी नेक वगैरह आप देख सकते हो और प्रोफाइल वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बढ़िया है। तो देखेंगे, और साथ साथ में मैं कुछ अपडेट भी दे दूं कि आने वाले 8 अक्टूबर को, यानी येवला की सबसे बड़ी मंडी 8 अक्टूबर को भरने वाली है। तो आप सभी इनवाइट है इसमें, आप सभी लोग आए। और दशहरे की सबसे बड़ी मंडी भरती है एनुअल, तो ये सबसे बड़ी मंडी है 8 तारीख को मंगलवार के दिन। तो अभी इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। नमस्ते भाई, राहुल भाई, कितने बीच में मेरा आने नहीं होता, तो कैसी थी मंडी? क्या मंडी तो अच्छी थी, हल्की थी यार, ये बारिश के हिसाब से मंडी। इस बार बारिश अच्छी हुई, तो मेरे हिसाब से इस बार येवला मंडी अच्छी भरेंगी। 8 तारीख की जो मंडी भरेगी ना, एकदम सुपर भरने वाली, सुपर भरने वाली इस बार की, बहुत माल आने वाला है। तो क्या आपकी परचेसिंग वगैरह हो गई क्या? फिर हो गए, मैंने 8 बच्चे उतारे थे, 4 खेल हो गए, 4 अभी खड़े। नहीं तो अगले मंडी के लिए क्या है? अगले मंडी के लिए अभी जाने का है माल लेने को भी। अच्छा, अभी 15 दिन है अभी हाथ में, आपने लाएगा एक बड़ी गाड़ी लाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो इस मंडी से अभी ये बच्चे से आप स्टार्ट करेंगे। इस बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए, क्या उम्र का आएगा ये बच्चा? ये बच्चा होगा 5 से 6 महीने का। 5 से 6 महीने का, अभी चौकड़ी में ही बच्चा। अच्छा अच्छा, और बहुत जबरदस्त बच्चा है, इसकी नेक प्रोफाइल काफी गजब की है। बिर्दन बच्चे की लंबाई, हाँ, और काफी एटीट्यूड वाला बच्चा है। बराबर। और क्या मार्किंग है इसकी? एक साइड के दोनों पे सफेद देखिए, ब्लेज है पत्ते। इस बच्चे में सारी अच्छी सिर्फ एक ही है कि भाई इसके कान थोड़े खुले हैं, अगर इसको थोड़ा मोड़ जाता तो ये बच्चा मेरे हिसाब से कोई अच्छा पार्टी लेके जाता था। पहले क्या, इसकी माँ है ना थोड़ी सिंधी में मिक्स थी। अच्छा, और इसका बाप है ना सुमरत करके घोड़ा है, वरना काटे में। हाँ हाँ हाँ, 66 प्लस हाइट है उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, दो घोड़े का काफी नेक प्रोफाइल काफी अच्छी इस बच्चे की, बस कानों के वजह से ही थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन अच्छा है, बच्चा जाएगा ही अपने महाराष्ट्र में तो आराम से जाएगा ये बच्चा, आराम से जाएगा। अभी इसकी 50 के आसपास हाइट होंगी इसकी। हाँ, 61 प्लस आएगी। हाँ हाँ, एटीट्यूड बहुत अच्छा है बच्चे में, गर्दन वगैरह टाइमिंग बहुत अच्छी, सुंदर बच्चा है। अच्छा, या बाल भोरी का क्या है ये? बाल भोरी का सांप है। अच्छा, देवमन नहीं, कंठमन, कंठमन है। और ये यानी गुजरात की परचेसिंग है आपकी? हाँ, गुजरात। अच्छा, साचर बॉर्डर वनस्काटा। हाँ हाँ, वही गुजरात राजस्थान बाउंड्री आ जाती वो, बहुत बढ़िया। तो क्या राहुल भाई, इसके क्या रेट वगैरह बता रहे? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी मैं थोड़ा ऐसा पूछूंगा कि लाख के ऊपर या लाख के अंदर है? लाख के अंदर ही हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर यानी कस्टमर को जो भी देखने वाले उनको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मस्त बच्चा है, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये बच्चा। हमारे पास रखने की जगह रहती तो ये बच्चा मैं जरूर लेके जाता, जरूर लेते, क्योंकि शौकीन आदमी। हाँ, उसी के काम की। हाँ हाँ हाँ, शौक करने के हिसाब से ही बच्चा। बस बस बस, बहुत सुंदर बच्चा है। चलो राहुल भाई, फिर क्या नंबर वगैरह रहेगा बोल दो। नंबर अपना 88 88 07 28 13, जिसको इसको लगेगा वो लेंगे जरूर। राहुल सोनो ने येवला में ये, और मेरे को नहीं लगता ये येवला मंडी तक रहेगा, अगर उससे पहले चालू है अभी फोन पे। हाँ हाँ, एक हैदराबाद की पार्टी मंग रही है और इधर एक नागपुर की है। हाँ नहीं, बच्चा ही ऐसा है वो। हाँ, बहुत सुंदर बच्चा है, उनका स्टार्ट हमें उधर देने का। और ये बच्चा अगर कहीं स्टेलियन बन जाएगा तो ये जो जिस घोड़ी के अंदर कान है ज्यादा मुड़े हुए, उसको ये अगर क्रॉस करेंगे तो बच्चे आगे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी जो देखने वाले काम का ही घोड़ा, बिल्कुल गर्दन वगैरह बिल्कुल बिल्कुल एटीट्यूड और अभी अभी अच्छा है, तो क्या है। चलो ठीक है, चलो थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू।